और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सदर को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। हादसे की जगह पर रेस्क्यू टीम भेजी गई है। इब्राहिम रईस के साथ फाइनेंस मिनिस्टर, ईस्ट अजरबैजान इलाके में हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। ईरान से ये दर्दनाक खबर सामने आ रही है, ईरान के सदर को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हादसे की जगह पर रेस्क्यू टीम भेजी गई है। इब्राहिम रईसी के साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे हेलीकॉप्टर के अंदर। ईस्ट अजरबैजान इलाके में ये हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग कराई गई है। क्रैश किस वजह से हुआ हालांकि ये वाजे नहीं है, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त ईरान के सदर को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश होने का मामला सामने आया है। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसे की जगह पर रेस्क्यू टीम भेजी गई है। इब्राहिम रईसी के साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। ईस्ट अजरबैजान इलाके में हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग करानी पड़ी है। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हादसे की जगह पर रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया है। इब्राहिम रईसी के साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे। ईस्ट अजरबैजान इलाके में हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग कराई गई है। अभी मिडिल ईस्ट में काफी उथल पुथल नजर आ रही है और ईरान को लेकर काफी तराशा भी चल रहा है गाजा वॉर के साथ साथ। और अब ये बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान के सदर को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है या क्रैश कराया गया है, ये सवाल भी उठना लाजमी है।